friends, I'm Soma from Smeekers Bakery. Today we are making a Dutch chocolate cake. So it is a new and famous recipe that all like it. So before previous recipes, I have showed one that is a base, which chocolate that is. Chocolate base I have shown. So now with that chocolate base, I have done just only the crumble coating. That inside coating which we tell with some ganache and some chocolate chips in it. So now what I'm going to do, I have taken a little bit cream, with white cream, and I have put this chocolate ganache, okay, this chocolate ganache, this is tight now, this I have mixed it white cream, and I have mixed it properly, just to give a good taste in chocolate cake. Now I will do the final coating here, okay, so I am starting the final coating now, I will mix it properly, just no bubble should be there, okay, it should be fine at the एंड कुछ भी बबल्स यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. ओके, सो नाउ स्टार्ट द फाइनल कोटिंग. टेक सम क्रीम एट टॉप, देन विल डू साइड कवरिंग ऑल्सो. पर्सन हुआ दैट उन लोग को ज्यादा क्रीम एकदम पसंद ही नहीं है, सो वी कैन गिव ए स्मॉल एकदम लाइट कोटिंग. ओके, सो विल डू द फ्रंट कोटिंग लिटिल बिट, टॉप कोटिंग, देन विल गो टू साइड कवरिंग. ओके, नाउ विल गो टू साइड कवरिंग. आपको फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जितना जिसको जैसे आपको कस्टमर्स को चाहिए, जैसा आप लोगों को पसंद है. आप लोगों को पसंद है लिटिल बिट क्रीम, बहुत लोगों घर के इंसान को पसंद नहीं होता है क्रीम, सो इन दैट वे यू हैव टू मैनेज इट. मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डच क्रीम दे रही हूँ, दिस कॉल्ड डच क्रीम, जो हम लोग चॉकलेट में मिक्स करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डच क्रीम. जस्ट गिव ए स्मूथ कवरिंग. सबको पसंद है फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे चॉकलेट है इसमें, और हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अमेरिकन चॉकलेट, दैट इज वेरी टेस्टी एंड यमी. सो ऑल लाइक दिस. ओके फ्रेंड्स, अब हमने फिनिशिंग दे दिया है, जब तक अभी दे रहे थे डच क्रीम से, तो मैंने कैसा किया था, ये व्हाइट क्रीम मैंने लिया था, उसमें मैंने चॉकलेट गनाश मिक्स किया और मेरा डच क्रीम बन गया. ओके, ये है डच क्रीम. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डच क्रीम से फिनिशिंग देने के बाद, हम मैंने जो यहाँ पे गनाश बनाया था उसको मैंने थोड़ा अमूल फ्रेश क्रीम से, आपको पता होगा गनाश कैसे बनाता है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया था, वन पार्ट ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम एंड टू पार्ट्स ऑफ चॉकलेट, मैंने उसको माइक्रोवेव में तो डबल बॉयलर जो आपको ईजी लगे वो आप अच्छा से मिक्स कर दीजिए. तो उसको मैंने छान के थोड़ा पतला लिक्विड ही थोड़ा कर लिया, और मैंने उसको क्या किया, मैंने छान लिया और थोड़ा लिक्विड कर लिया, क्यों, मेरे को ऊपर थोड़ा इसको ड्रिपिंग देना है. ओके, तो मैं अभी थोड़ा इसमें ड्रिपिंग दे दूंगी, तो फुल चॉकलेटी बन जाएगा वो. ओके, फर्स्ट हम लोग ड्रिपिंग से स्टार्ट करेंगे, तो बाजू में ड्रिपिंग जाते जाएगा और मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर भी दे दूंगी, तो इट विल बी ए फुल चॉकलेटी क्रीम. इसमें गनाश दे देंगे तो पूरा एकदम डच चॉकलेट आपका, फुल डच चॉकलेट अच्छे से चॉकलेटी बन जाएगा. ओके, अच्छे से पूरा फैला दीजिए ताकि अच्छे से हम लोग चॉकलेट पूरा सब जगह पे जाए और अच्छा ड्रिप दे इसको. ड्रिप देने में फिनिशिंग बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट केक में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है. और नोजल वर्क भी अभी कर सकते हो फ्रेंड्स, पर नोजल वर्क के लिए फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम लोग को सेटिंग चाहिए, नहीं तो हम लोग नोजल वर्क अच्छे से सेट नहीं होगा इसके ऊपर. वो आप दे सकते हो फ्रेंड्स, नहीं भी दे सकते हो, अभी चॉकलेट जो फ्लो ही हो जाता है फ्रेंड्स उसको आप अच्छे से डिपिंग में काम पे लाइए, क्योंकि लिक्विड है तो इसको थोड़ा बहने में ईजी हो जाएगा. ऊपर फ्रेंड्स और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऊपर थोड़ा भी टच करोगे तो हम लोग को चॉकलेट पूरा फैल जाएगा और अच्छा फिनिशिंग नहीं देगा वो. देखिए हम लोग केक रेडी हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा बहुत नोजल वर्क करेंगे इसमें, मैंने ड्रिपिंग दे दिया है चॉकलेट गनाश से अच्छे से लिक्विड करके. अभी हम इसमें क्या करेंगे, चॉकलेट जो आ रहा है सेट हो गया है इसमें, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे थोड़ा बहुत नोजल वर्क देंगे. मैंने जो क्रीम बचा था हम लोग को डच क्रीम, उससे देंगे तो टेस्ट भी आएगा. ओके,
इसके अंदर हवा निकाल दीजिए, ठीक। हम लोग थोड़ा इसमें नोजल कर देंगे थोड़ा सा रख करके, ओके। चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट दे दीजिए तो इट विल गुड ऑल्सो, ओके। जस्ट हम लोग क्रीम बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए तो हम लोग का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा से आएगा, ये भी छुप जाएगा आपका जो चॉकलेट यहाँ पे सेट हो गया है। और हम लोग ओके स्टार हम लोग थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, थोड़ा स्मॉल स्मॉल स्टार्स, तो आपका बॉर्डर भी बन जाएगा, आपका चॉकलेट भी यहाँ पे दिखेगा भी नहीं सेट जो आपने किया है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा आप निकालने जाओगे तो क्रीम भी हाथ में आ जाएगा, इसलिए वो इंटैक्ट हो जाएगा अंदर। ये थोड़ा थोड़ा टिप्स है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा देखते रहिए करते करने का टाइम पे, ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा 1 mm सही है, इसमें जो हम लोग किए हैं स्टार उसमें से हम लोग यहाँ पे थोड़ा रोजेट बना देंगे तो इट लुक्स सो प्रिटी, ओके। यहाँ पे हम लोग तीन तीन करके छोटा छोटा करके थोड़ा रोजेट दे देंगे तो आपका ये रोज काम कर देगा। देखिए फ्रेंड्स हम लोग का नोजल वर्क हो गया है इसका, अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए थोड़ा इसमें हम लोग व्हाइट की भी दे देंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा इसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़ा व्हाइट व्हाइट, ये मैंने दूसरा नोजल लिया फ्रेंड, इसमें क्या थोड़ा थोड़ा दूसरा टाइप देखिए थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा करके देंगे तो इसमें थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा हम लोग का जो हम लोग रोजेट बनाए हैं, इसको बोलते हैं रोजेट, ओके। देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे रोजेट दे देंगे, रोजेट के बीच में हाईलाइट कर देंगे बस उतना ही। देखिए हाईलाइट्स हम लोग थोड़ा इसको देखिए छोटा छोटा देखिए हम लोग इसका हाईलाइट कर दिया है, तो हम लोग रोजेट जो बनाए हो ना वो उसमें निखर के आया है, ओके। इट विल बी सिंपल, इट लुकिंग बी सिंपल एंड सोबर, ओके फ्रेंड्स। एंड देखिए फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे थोड़ा हाईलाइटिंग थोड़ा सिंपल डिजाइन करने के लिए जो गोल्डन बॉल्स दे रहे हैं हम लोग, ओके। जस्ट गोल्डन स्मॉल वन, तो थोड़ा सिंपल में लुक भी थोड़ा अच्छा आ रहा है इसमें। देखिए बड़ा बड़ा होने से तो उसमें आपको पसंद जो है वो दे सकते हो, मेरे को यहाँ पे सो सिंपल अच्छा लग रहा है। सो हम लोग इसमें और क्या करेंगे ना, तो वाइट वाइट है ना यहाँ पे तो गोल्डन बॉल्स दे दीजिए, देखिए थोड़ी हाइलाइटिंग थोड़ा दिख के आ रहा है, ओके। तो आपने जो वाइट वाला दिया है ना तो देट विल बी लुकिंग मोर गॉर्जियस, वाइट के ऊपर दीजिए, आई थिंक इट लुक्स मोर गुड। ये फ्रेंड दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू वॉट यू लाइक, बस सिंपल एंड सोबर केक, डच केक, 1 kg केक इज रेडी। ये आप बर्थडे पर्पस एनिवर्सरी पर्पस कुछ भी दे सकते हो, ओके। ये हमारा डच केक रेडी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो फ्रेंड्स रेडी, आई होप यू लाइक इट। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस फ्रेंड्स, एनी कमेंट्स, एनीथिंग टू यू हैव डाउट्स ऑल्सो, हाउ टू डू दी बेस, हाउ टू डू इंटर क्रम्बल कोड, एनीथिंग लाइक दैट, you can please comment me in the comment section, I will help you for the next video, please let me know friends, I did thank you, okay friends, please like and subscribe my channel Sprinkler's Bakery, thank you for watching, see you in the next video friends.